नमस्कार, प्रदीप कौशिक मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। सभी लोग परेशान हैं वेटिंग के लिए और कुछ लोग तो हम भी गाली दे रहे हैं कि बोले आप दोगले हैं, आप बता नहीं रहे हैं, ये है फलाना ढिकड़ा। बड़ा गुस्सा आता है, बहुत दिल दुखता है कि हम आप लोगों के लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें गाली ही मिलनी है। तो ये अच्छी बात नहीं है, कमेंट्स को अच्छी तरह से दिया करो। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो हम जो रूल होता है और जो होता आया है उसी को बताते हैं या जो इनपुट मिलता है वही बताते हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि हमने छू किया और आ गया, ठीक है। वो जो काइंड इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, हर विषय में वेटिंग आनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट बनती है और आएगी, आनी भी चाहिए और आती भी है। पीआरटी में करीब 1500 के करीब वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और वो आएगी, ठीक है। और पीजीटी टीजीटी हर विषय में आनी चाहिए और आ भी रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में, ठीक है। आप लोगों को पता भी चल रहा है कि कब आ रही है, क्या हो रहा है, वो आ रही है, अपना काम हो रहा है और वो कर रहे हैं, ठीक है। आप सब लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करता है या अभी गलतफहमी है, ठीक है। आप सब लोग केवल और केवल गाली गलौज करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। केवल और केवल गाली गलौज करना जानते हैं, ना किसी की मजबूरी समझते हैं, ना किसी का कि भाई हाँ वर्क कैसे होता है, ना आपको ये है। केवल आपको तो ये कि बस किसी भी तरह से हो जाना चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए। आप लोग मैं पर चले गए हैं, आई पर चले गए हैं, वी पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबका भला करना चाहिए और सबको एक साथ होना चाहिए। आप सब लोग मुझे गाली देते हैं, कोई बात नहीं, देते रहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ें, अच्छी खबरें और जो नियम हैं वो बताता रहूँगा। और फिर बता रहा हूँ, वेटिंग आनी चाहिए एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन। पीजीटी टीजीटी पीआरटी इसके साथ जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबकी वेटिंग आनी चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकलती हैं उनके अगेंस्ट में वो वैकेंसी भरी जानी चाहिए थ्रू आपकी वेटिंग लिस्ट, ये नियम है। आगे डीटीएसपी क्या करती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो भरती है या नहीं भरती है व्हाट आई नो, बट एज पर रूल एंड रेगुलेशन उसको भरना चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यही एक नियम है, लॉ है, एज पर लॉ निकलनी चाहिए। अगर आपको है, आप सामने क्यों नहीं आते हैं, धरना प्रदर्शन कीजिए और आप ये बोलते हैं उसको कोर्ट केस कीजिए, तो आप करते कुछ नहीं है और बोलते ज़्यादा हैं। इसलिए कीजिए ज़्यादा और अपने वर्क पर विश्वास रखिए या जो आपका आइडियल है उस पर विश्वास रखिए कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है, उसको फॉलो कीजिए। चलिए, बाकी कुछ होगी न्यूज़ तो फिर आएंगे, लेकिन आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद।